महामारी के इस दौर में आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों का एक मानवीय चेहरा सामने आया है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी अपने हाथ से ब्लैक फंगस के मरीजों को दलिया जैसी चीज़ें खिला रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आउटसोर्सिंग कर्मचारी शाहरुख और आशीष अपने हाथों से मरीज को दलिया खिलाते दिख रहे हैं। आशीष और शाहरुख का कहना है कि वो काफ़ी समय से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में लगे हैं, दर्जनों मरीजों को अपने हाथों से ठीक कर चुके हैं। मरीज जब ठीक होकर जाता है तो उन्हें काफ़ी दुआएं देकर जाता है और इसी वजह से वो लगातार सेवा में लगे हैं। कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते संक्रमण के दौर में इस वीडियो के सामने आने से एक प्रेरणादायक संदेश भी मिल रहा है। ये संदेश उन लोगों के लिए भी है जो लोग कोरोना संक्रमित और ब्लैक फंगस मरीजों से घृणा करते हैं। आशीष और शाहरुख के अलावा प्रदीप कुमार भी, जो इसी हॉस्पिटल के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, वो भी लगातार कोरोना संक्रमित और ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों की मदद कर रहे हैं। इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के सेवा भाव को देखकर एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और अन्य कर्मचारी भी उनकी काफ़ी सराहना कर रहे हैं।